मकान ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से पाम रेजिडेंसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 47 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि रक्तदान एक महादान है। रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, इसलिए भवन निर्माण से जुड़े लोगों द्वारा इस रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया और अन्य लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। भवन निर्माण एसोसिएशन के प्रवक्ता ने बताया कि वह पहले भी इस तरह के रक्तदान शिविर लगा चुके हैं और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि रक्त सिर्फ मनुष्य के शरीर से ही पैदा हो सकता है, ना कि यह किसी फैक्ट्री या कारखाने से पैदा किया जा सकता है। इसीलिए सभी को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए। इसी कड़ी में आज भवन निर्माण एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर लगाकर रक्त इकट्ठा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भवन निर्माण एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कॉन्ट्रैक्टर संगठन है जिसमें कि शहर के सभी गणमान्य भवन निर्माण ठेकेदारों ने आज होटल ज्ञान एजेंसी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारे सभी ठेकेदारों ने भाग लिया है। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि अगले बार जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान दें ताकि किसी की जीवन बचा सके। तो मेरी सभी से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। जो कॉन्स्ट्रक्टर के ठेकेदार होते हैं उन्होंने जो ये भवन निर्माण करते हैं हमारे सारे शहर में, ये सभी कॉन्ट्रैक्टर यूनियन की तरफ से इसका आयोजन किया गया था और सारे ही इसमें भवन निर्माण ठेकेदारों ने रक्तदान किया है। तो आज कितने लोगों ने रक्तदान किया है? आज लगभग हमारे 60-65 कॉन्ट्रैक्टर इसमें आए हैं और काफ़ी जो है वो स्वस्थ न होने के कारण उनको ब्लड उनका नहीं लिया गया। तो आज कितना ब्लड यूनिट हुआ है डॉक्टर? आज लगभग इनका 45-50 यूनिट 46-47 हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद धीमान, मैं संगठन का प्रधान हूँ और सभी से अपील है कि बढ़ चढ़ के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगली बार सहयोग करें। डोनेशन कैंप लगाया गया है जी, क्या कुछ कहोगे? आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, आज के दिन इसलिए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लगाया गया है, कर्नल कंस्ट्रक्शन की ओर से, भवन निर्माण की ओर से, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे जितने गरीब लोग हैं जो भी हैं, खून जिनको चाहिए, किसी का ज़िंदगी बच जाए, इस विचार को सोचे हम लोगों ने सारे कंस्ट्रक्शन में जितने ठेकेदार भाई थे, तो इन सब को ध्यान रख के हमने इसका कैंप लगाया। 46 करीब हमारे आज ब्लड डोनेशन हुआ है। पहली बार लगाया गया सर? क्या नाम है सर? नंद किशोर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।